हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंड दिस, ठीक है, इज एन इंटीजर, जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है, जिसका x कोऑर्डिनेट जो है, जो मतलब इनको सॉल्व करके जो x कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो इंटीजर वैल्यू देगा। ध्यान समझो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, बोला है कि इन दोनों लाइन को आप सॉल्व करो और जो x की वैल्यू होगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, उसके लिए आप इंटीजर वैल्यू बताओ m की। ठीक है, तो आपके पास दो जो कंडीशन है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन है और एक आपके पास 3x प्लस 4y प्लस का 9 है। ठीक है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 9 है, मतलब एक कंडीशन है y बराबर एम एक्स प्लस वन, y बराबर एम एक्स प्लस वन है, और एक है 3x प्लस का 4y बराबर 9 है। और आपको यहां से ये बोला गया है कि m बताओ क्या क्या हो सकता है जिसके लिए x एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर x एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर देते हैं इस सेकंड कंडीशन में। अगर ये सेकंड कंडीशन और ये फर्स्ट कंडीशन है तो आप y की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, यहां पे चलो पुट करते हैं, कितना आएगा यहां से देखना, 3x प्लस का 4, y की लू कितनी है mx प्लस का 1 बराबर 9। तो यहां से हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो कंडीशन लगा देंगे। भाई x तो निकालना पड़ेगा ना, x तो निकालना पड़ेगा, समझ रहे बात को आपको। भाई हम y क्यों निकाल रहे हैं, सुनो ध्यान से बात, क्योंकि आपको जो कंडीशन दे रखी है वो x कोऑर्डिनेट की दे रखी है कि x एक इंटीजर वैल्यू है तो x को हमें सॉल्व करना है, तो y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आया समझ में। अच्छा चलो, 3x प्लस 4mx प्लस का 4 बराबर 9, इन दोनों में x कॉमन मिल जाएगा तो 3 प्लस 4m आएगा और ये 4 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो x है वो 5 अपॉन 9 माइनस 4 कितना होता है 5 अपॉन 3 प्लस 4m आएगा। ठीक है, चलो इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, m की कुछ इंटीजर वैल्यू लेना शुरू करते हैं। तो अगर मैंने m को 0 लिया तो x कितना आएगा 5 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 0, तो ये 5 अपॉन 3 आएगा और 5 अपॉन 3 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसका मतलब m 0 आप नहीं ले सकते। अगर मैंने m को 1 ले लिया तो यहां से x आ जाएगा, ठीक है, 5 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 1 तो 5 अपॉन 7 आ जाएगा और ये भी एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। अब इससे एक बात तो साफ पता लग जाती है क्या, कि आप m की वैल्यू अब इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? जितना ज्यादा रखोगे m उतना ही ज्यादा डिनोमिनेटर आएगा और वो फ्रैक्शन में ही आएगा, वो किस में आएगा फ्रैक्शन में ही आएगा और आप सॉल्व नहीं, मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा, मतलब इंटीजर मिलेगा ही नहीं क्योंकि x आपका क्या है बेटा इंटीजर है। तो अब हम कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने m को माइनस वन ले लिया तो x कितना आ जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस 4 और m को मैंने माइनस वन लिया है तो 5 अपॉन 3 माइनस का 4 तो 5 अपॉन माइनस का 1 तो ये माइनस 5 आ गया। क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है? यस, ये माइनस 5 एक इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये भी इंटीजर वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारा m बराबर माइनस 1 सही है, m बराबर माइनस 1 सही है। तो चलो कुछ और भी रख के देख लेते हैं। तो m बराबर हमने माइनस 2 अगर ले लिया तो x बराबर 5 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 तो 5 अपॉन 3 माइनस का 8 तो 5 अपॉन माइनस का 5 तो क्या ये भी माइनस 1 आ गया, ये भी इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा सही है। चलो दो वैल्यूज तो मिल चुकी हैं, दो वैल्यूज तो बेटा मिल गई हैं, चलो और रख लेते हैं कुछ। अब मान लो मैंने m बराबर माइनस 3 रख लिया तो x आ जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू यहीं पर रखना है माइनस 3 तो x आ जाएगा 5 अपॉन माइनस का 12 प्लस 3 माइनस का 9 आएगा। अब ये फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया है, अब कुछ और रखोगे तो और बड़ा फ्रैक्शन नीचे आएगा, अब तुम्हें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, अब कुछ और रखोगे तो तुम्हें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, समझो बात को। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो m की दो वैल्यूज आएंगी इंटीजर, एक माइनस वन आएगी और एक माइनस टू आएगी। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप और कुछ रखोगे ना m को, मतलब
कुछ और रखोगे और आगे माइनस का रखोगे माइनस फोर, तो और बड़ी वैल्यू आएगी, फिर ये बड़ी आती जाएगी नीचे वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, समझो इस बात को, समझ रहे हो? क्लियर है, समझ में आई बात? आपको ध्यान ही रखना, देखो सिंपल सी बात आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी है, और इसमें ये देखना है, उसमें आपको बेटा ये देखना है कि क्या आप पुट कर सकते हो। देखो सुनो ध्यान से बात सुनो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन, फिर से बेटा आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन में, एक y बराबर mx प्लस 1 दे रखा था, हमने y की लो सब्स्टिट्यूट करी और वहां से x निकाल लिया। अब इस x को हमें इंटीजर लेना है और m को भी इंटीजर लेना है, तो मैंने m की लो 0 पुट करी, 1 पुट करी, तो देखा कि 0 पुट करने पे फ्रैक्शन में मिल रहा है, 1 पुट करने पे फ्रैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब 2 पुट करने पे भी फ्रैक्शन में मिलेगा, क्यों? यहां पे डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा हो चुका है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 1, 2, 3, 4, 5, फ्रैक्शन में नहीं होता इंटीजर, इसलिए ये केस रिजेक्ट हो गया। फिर हमने नेगेटिव रखना शुरू करा, माइनस वन तो माइनस फाइव मिला, इंटीजर है तो ये सही हो गया, माइनस टू रखा माइनस वन आया, इंटीजर है सही हो गया। फिर लेकिन माइनस थ्री माइनस फोर आप रखोगे तो डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा आने का मतलब है कभी इंटीजर नहीं मिलेगा, खुद से सोचो ना। अगर आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।